ये साल सैजिटेरियस, बहुत सारे सैजिटेरियस जो हैं उनका ब्रेकअप हो सकता है अपने बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड से, क्योंकि उनकी शादी होने वाली है। तो मैं नहीं हूँ, लेकिन मैं तो उनके लिए सैड हो रही हूँ। नहीं, व्हाट आई एम सेइंग, मैंने आई वाज जोकिंग, व्हाट आई एम सेइंग इज कि वो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड नहीं रहने वाले हैं, वो हस्बैंड वाइफ बनने वाले हैं, बिकॉज़ उनका टाइम ओ अभी वाओ, क्या शादी का चल रहा है। तो दैट इज व्हाट आई सेइंग, बात है, कांग्रेट्स। या सो ये बहुत अच्छी बात है। और दूसरी बात, मुझे ये भी लगता है कि यू नो दे ऑलवेज विन ओवर देयर एनिमीज, सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग, एंड सैजिटेरियस विल डेफिनेटली डू गुड इन दिस पर्टिकुलर ईयर। जो कंस्ट्रक्शंस इनके दे फेस कर रहे थे, फाइनेंशियल क्रंच इज द राइट वर्ड, सो दे विल स्टार्ट फीलिंग गुड आफ्टर पोस्ट अप्रैल, व्हेन सडनली मूव टू नेक्स्ट हाउस, एंड देन इट शुड बी ऑल गुड। तो देर इज नो प्रॉब्लम साइक्योरियस। हाँ, ये जरूर है कि सेकेंड हाफ में इफ यू वॉन्ट टू बाई प्रॉपर्टी द टाइम विल बिगिन। तो अपना खुद का घर मकान आप ले लेंगे, लेकिन वो घर बनेगा कि नहीं, मकान घर बनेगा कि नहीं शिल्पा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसमें अगेन हार्मनी, अगेन हैप्पीनेस, अगेन एक्सेप्टेंस, अगेन टॉलरेंस, टुगेदरनेस, लव, रोमांस, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट, एंड स्पिरिचुअलिटी। तो ये सब चीजों को अगर आप इंकल्केट करते हैं, तो दैट इज हाउ यू मेक योर मकान योर घर। ये बहुत बड़ा फर्क है, यू नो, तो क्या वो मुझे बात है, साइटेरियंस में बी एबल टू डू इट।